आज हम गोंडवाना की धरती का इतिहास जानने के लिए जा रहे हैं एडवेंचर लवर्स की पसंदीदा जगह पचमढ़ी। यहाँ से हमारा सफर मुड़ेगा धार के डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क की तरफ। फिर हम जाएंगे घुगुआ, जो एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है। हम फॉसिल प्रेमियों की मनपसंद जगह हथनौरा भी जाएंगे, जहां होमो इरेक्टस का सबसे पुराना फॉसिल खोजा गया था। हमारा आखिरी पड़ाव होगा कठौतिया के रॉक शेल्टर्स, जहां मिलने वाली केव पेंटिंग्स इतनी पुरानी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पृथ्वी की सबसे अद्भुत कहानी की शुरुआत, दी बिग बैंग। मैं निकला हूं एक अनोखे सफर पर यह जानने के लिए कि हमारी, हम सबकी शुरुआत कहां से हुई। मैं हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश से आपके साथ मिलकर इस पृथ्वी के एवोल्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मेरे साथ इस अनफॉरगेटेबल जर्नी का हिस्सा बनने के लिए, जहां खुलेंगे कई सारे राज। हम हैं मध्य प्रदेश में। हम जानेंगे कि यहां डायनासोर्स की शुरुआत और अंत कैसे हुआ और कहां से हुई मानव जीवन की शुरुआत। तो आइए चलते हैं। जिस ग्लोब की ज्योग्राफी को हम जानते हैं, वो पहले एक जाइगेंटिक मास हुआ करता था, जिसकी टूटने की वजह से सारे कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए। इसका फॉर्मेशन प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये देखने के लिए मैं जा रहा हूं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप हमारी आज की लोकेशन का अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। हमारी कहानी 9.7 से 32 करोड़ साल पुरानी है। मैं हूं विश्व प्रसिद्ध सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बस थोड़ी दूर, लेकिन असल में ये पूरा एरिया, यहां तक के रिजर्व से आगे की जगह भी, अपने अनोखे वनस्पतियों, जीवों, फ्लोरा और फौना की वजह से एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। यही है वो पहाड़ियां और घाटियां जहां पूरा भारत रोमांच की तलाश में आता है। मैं आया हूं क्वीन ऑफ सतपुड़ा पचमढ़ी, जो कि एमपी का सबसे लश ग्रीन लैंड माना जाता है। अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो यहां पर करने के लिए बहुत कुछ है। कैंपिंग, ट्रैकिंग, पैरासेलिंग, हॉर्स राइडिंग एंड इनफैक्ट यहां पर एटीवी राइड्स भी है। अगर आपको एडवेंचर से प्यार है तो पचमढ़ी आपके लिए परफेक्ट स्पॉट है। एमपी के ये पर्यटन स्थल सिर्फ पर्यटन स्थल ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। तो लीजिए, स्वागत है आपका एमपी के गोंडवाना लैंड पर। 60 करोड़ वर्ष पुराना ये सुपर कॉन्टिनेंट, जो आज के साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अरब, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका से बना था। एक बार जब जियोलॉजिस्ट एडवर्ड सुएस यहां घूम रहे थे, तब उन्होंने देखा कि यहां की कुछ चट्टानें बिल्कुल साउथ अमेरिका की चट्टानों जैसी हैं। एडवर्ड सुएस ने सुपर कॉन्टिनेंट को गोंडवाना लैंड का नाम दिया, एमपी की गोंड ट्राइब को ध्यान में रखकर। करीब 18 करोड़ साल पहले, जहां मैं इस वक्त हूं, वहां की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से सब कुछ स्कैटर हो गया और आज जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो फॉर्म हो गए। पचमढ़ी के अनोखे और बेहद खुरदुरे बलुआ पत्थर में गोंडवाना का संयोजन और विभाजन के कई सुराग मौजूद हैं। हमारे एक्सपर्ट हमें इसकी और जानकारी देंगे। आइए इस जगह की वैज्ञानिक पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि यहाँ और क्या खास आप देख सकते हैं। गोंडवाना टाइम में जो बेसिन्स फॉर्म हुए हैं, उस समय पचमढ़ी वाज आल्सो फॉर्मिंग एट समवेयर इन बिलो द वाटर लेवल। वहाँ पर इसमें करंट डायरेक्शंस, तो यहाँ क्रिस क्रॉस नेचर्स आपको जो है वो फ्लोज में दिखता है। ये जितने सेडिमेंट डिपॉजिट हुए हैं, लाइक आप एक एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। प्लस अगर कहीं ब्रेक हुआ है कि थोड़ा टाइम के लिए कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई डिपोजिशन नहीं हुआ है, तो ये आपको बीच में एक सीधी लाइन खींची जा सकती है। सैंडस्टोन पर उभरी हुई इन रेखाओं से भूवैज्ञानिकों को पता चलता है कि ये प्लेटें कहाँ टूटी थी, तापमान या जलवायु कब और कहाँ बदले, और महासागरों का निर्माण और विलय कैसे हुआ। इसमें जो पेबल्स वगैरह दिख रहे हैं, पेबली होराइजन हमको बीच में कई जगह मिलेंगे, वो पेबली होराइजन ज़्यादा टाइम गैप नहीं दिखा रहे हैं, सडनली फ्रीक्वेंट रहा है यहाँ पर डिपोजिशन। पर्यावरण का अध्ययन करने वालों के लिए
पचमढ़ी सोने की खान है। इस तरह के नाटकीय बदलाव और उतार चढ़ाव ने दुनिया के सबसे बड़े कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को तोड़ दिया था, बल्कि पृथ्वी की प्लेट्स लगातार हिलती रहीं और आगे बढ़ती रहीं। लगभग 5 करोड़ साल पहले भारत यूरेशिया से टकराया और जन्म हुआ दुनिया के सबसे नए पहाड़ों का, हमारा अपना हिमालय। ये प्रक्रिया अभी भी जारी है, ये पहाड़ अभी भी बढ़ रहे हैं। वैसे इस वक्त तक धरती पर डायनासोर आ चुके थे, मगर ये किस्सा हम आगे के लिए रहने देते हैं। आप और मैं मिलकर हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में बहुत गहरी छलांग मारने वाले हैं। जब आप ये यात्रा करेंगे तो धार के आध्यात्मिक स्थलों को देखना ना भूलें। पाक के प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं, महेश्वर, धार शहर और ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर के 2 ज्योतिर्लिंग। इसी रास्ते पर मांडू शहर भी पड़ता है, जहां आपको काफी सारे दिलचस्प ऐतिहासिक संरचनाएं देखने को मिलेंगी। लेकिन आज मैं जिस कहानी की बात करने जा रहा हूं वो 6.4 से 9.7 करोड़ साल पुरानी है। डायनासोर्स, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर किसी का इंटरेस्ट बना रहता है। ये है डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, जो कि बाघ में आता है। यहां आपको डायनासोर्स की हैचरी देखने को मिलेगी, वो स्पेशली यहां नेस्टिंग के लिए आते थे। इस स्पीशीज का नाम था टाइटनोसॉरिड, जो कि बहुत ही ह्यूज हुआ करते थे और हर्बीवोरस थे। यहां 2 अलग रॉक फॉर्मेशंस में फॉसिल के 2 अलग ग्रुप्स हैं। भाग फॉर्मेशन में समुद्री फॉसिल मिलते हैं, जिसमें शार्क के दांत और बहुत कुछ शामिल है। लेकिन लमेटा फॉर्मेशन में मिलते हैं पेड़ों के फॉसिल्स के साथ साथ डायनासोर के अंडे, और इन अंडों से हम बहुत हद तक उनकी जीवन शैली का अंदाजा लगा सकते हैं। जहां भूवैज्ञानिकों को अपनी पड़ताल में डायनासोर का इकलौता अंडा मिला, तो कई बार उन्हें एक साथ 15 अंडों के घोंसले भी मिले। ऐसे बहुत सारे घोंसले 2 मीटर की दूरी के अंदर पाए गए। साफ है कि वो भी हमारी तरह कॉलोनीज और झुंड में रहते थे और बड़ी संख्या में सुरक्षित महसूस करते थे। डायनासोर ज्यादातर ग्रुप्स में रहते थे, और जब तक उन्हें कोई जगह हर रूप से सेफ ना लगे वो एग्स ले नहीं करते थे। ये वही एग्स हैं जो आज फॉसिल्स बन चुके हैं। वो ग्रुप्स में इसलिए रहते थे ताकि वो अपने आप को और इन एग्स को प्रेडेटर्स से बचा सके। क्या आप जानते हैं कि ये अंडे देने वाले डायनोस का वजन 4 से 5 टन तक होता था, मतलब एक गेंडे से लगभग 2.5 गुना ज्यादा। आइए उनके बारे में और जानने के लिए हमारे एक्सपर्ट से मिलते हैं। यहाँ पे जो भी एग शेल्स हमको मिले हैं उनकी रेंज है 65 mm to 165 mm। ये जो एग शेल्स है ये टाइटनोसॉरिड सॉरोपोड डायनासोर के हैं, तो इनका बेसिकली हर्बीवोरस थे। इनकी नेक भी लंबी थी, इनकी टेल भी लंबी थी, और 4 बड़े पिलर साइज के उनके पैर हुआ करते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इतना बड़ा जानवर अपने से छोटे शिकारियों से भी डर सकता है? ये मध्य प्रदेश वन विभाग का एक अद्भुत और अथक प्रयास है, ताकि आप और मैं यहाँ आकर ये देख पाएं कि एक डायनासोर का जीवन कैसा रहा होगा। जिस तरीके से यहाँ डायनासोर नेस्टिंग प्रिजर्व करके रखी है, और यहाँ की लोकेशन, टोपोग्राफी और रिच फॉसिल डाइवर्सिटी की वजह से ये पार्क सबसे अलग है। एक और खास बात बताऊं आपको, द लास्ट वॉक, यानी जब डायनासोर का एक्सटिंक्शन चल रहा था, यहाँ की नेस्टिंग उसी वक्त की है। मैं हूं मध्य प्रदेश के सफर पे और मुझे तलाश है डायनासोर्स के युग की। मैं मध्य प्रदेश के 2 सबसे आकर्षक वाइल्डलाइफ सेंचुरीज बांधवगढ़ और कान्हा से काफी करीब हूं। अगर आप बहुत किस्मत वाले हैं तो आप इन दोनों जगहों पर बाघ देख पाएंगे। इसी रास्ते पर पड़ता है एमपी का मशहूर शहर जबलपुर, और जबलपुर के पास है बेड़ाघाट, जहां आपको देखने मिलेगा
मार्बल रॉक्स पर बहता हुआ वॉटरफॉल। लेकिन अब मैं जहां जा रहा हूं वहां हमें जीवन के 4 से 15 करोड़ साल पुराने सबूत मिलेंगे, जो अपनी तरह की इकलौती जगह है, गुगुआ। दोस्तों आज मैं आया हूं एशिया के सबसे बड़े फॉसिल पार्क में, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फॉसिल पार्क भी है। Isn't this incredible? यहां आपको पेड़ पौधों की 31 अलग प्रजातियों के 18 परिवारों के फॉसिल मिलेंगे। गुगुआ और आसपास के क्षेत्रों में पाए गए फॉसिल्स को इस अनोखे डिस्प्ले के लिए यहां एक साथ लाया गया है। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा रोजाना की जाने वाली मेहनत। यहां अलग अलग जगह पर डेट पाम, नीम, जामुन, जैकफ्रूट, रुद्राक्ष जैसे कई फॉसिल देखने को मिलेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, यहाँ गुगुआ में जो फॉसिल्स है ना, उनके रिलेशंस ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और मैडागास्कर के फॉसिल्स हैं। ये मेगा फ्लोरा है, 6.5 करोड़ साल पहले का विशाल पेड़। जिस प्रोसेस की वजह से ये पूरी तरह संरक्षित है उसे जियोलॉजिस्ट पेट्रिफिकेशन कहते हैं। इस बारे में और जानकारी के लिए चलिए अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं। गुगुआ में जो फॉसिल पार्क है उसमें पेट्रिफिकेशन सबसे ज्यादा पाया गया है। यहाँ पर पेट्रीफाइड फॉर्म में ही इनके फॉसिल्स ज्यादा मिले हैं। सर, पेट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इसको अगर हम फॉसिलाइजेशन में समझें तो ये एक बहुत ही रेयर प्रोसेस होती है जिसमें एनवायरमेंट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। होता क्या है कि प्लांट रिमेन जब ब्रीड होता है तब उसका जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो ऑर्गेनिक पार्ट कंप्लीटली बट स्लोली रिप्लेस हो जाते हैं मिनरल पार्टिकल से। ये वो मिनरल पार्टिकल्स हैं जो फ्लोइंग वाटर में डिसॉल्व होते हैं और जो टिश्यूज़ के इंटर स्पेसिस हैं उसमें सेलुलोज पार्ट, ऑर्गेनिक पार्ट को धीरे धीरे रिमूव करते हैं और खुद वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। तब इस प्रोसेस में धीरे धीरे वो जो प्लांट का रिमेन था वो ऑर्गेनिक से पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ये पूरी प्रोसेस जो है पेट्रिफिकेशन कहलाती है। फॉसिलाइजेशन के अलग अलग प्रोसेस के द्वारा पेड़ पौधों के रिमेन्स प्रिजर्व हो गए थे जिससे भूवैज्ञानिक उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं और हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि जब धरती के इस छोर पर संभाव्यता डायनासोर का राज था तब हमारे जंगल कैसे दिखते थे। ये जो पार्क है ये पार्क गुगुआ विलेज में बनाया गया है जिसको नेशनल फॉसिल पार्क का दर्जा प्राप्त है। मध्य प्रदेश में अपने आप में पहला स्थान रखता है। धरती के एवोल्यूशन में अब तक हमारा ग्रह लावा के बजाय हरा भरा जंगल बन चुका था जहां डायनासोर्स रहा करते थे। आपको पता है डायनासोर्स के साथ हुआ क्या था? इतने बड़े क्रिएचर्स जो इतने खतरनाक भी थे वो अचानक से गायब कैसे हो गए? मैं जवाब ढूंढने निकल पड़ा इस 6.4 से 9.7 करोड़ साल पुराने रहस्य का। अभी मैं इंदौर से गुजर रहा हूं, मध्य प्रदेश की कमर्शियल और एजुकेशनल राजधानी। जब आप यहां आएंगे तो लाल बाग और राजवाड़ा महल की यात्रा जरूर करें। यहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर आपको एक अजीबोगरीब जगह मिलेगी। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अर्थ स्टेबलाइज हो चुका था और दुनिया पर डायनासोर्स राज कर रहे थे, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इस वक्त जहां मैं हूं ये सब लावा था। वॉल्केनोज जब इरप्ट होते हैं तो मैसिव क्वांटिटी में लावा हर तरफ बहता है और उसमें इतनी डस्ट होती है कि सूरज की रोशनी भी धरती पर पहुंच नहीं पाती। इसका अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक इशारा करते हैं एक ऐसे एस्ट्रॉइड की ओर जो मुंबई के ऑफशोर में ही कहीं टकराया था। इससे धरती की परत पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि पूरी जमीन पर छोटी छोटी दरारें आ गई, दरारें जिनसे पिघला हुआ लावा बहने लगा। ये इरप्शंस इतने वायलेंट थे कि
कि 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा इनका लावा फ्लो करता था और ये लावा इस जगह पर आके ट्रैप हो गया, जिसे आज डेक्कन ट्रैप्स के नाम से जाना जाता है। दुनिया से डायनासोर्स और बाकी बड़े जानवरों के एक्सटिंक्ट होने की वजह ये ही मैसिव इरप्शंस थे। लेकिन रुकिए, इसके निर्माण के बारे में एक और थियोरी है। उस समय हमारी इंडियन प्लेन रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजर रही थी। हमारे एक्सपर्ट इसे डिटेल में समझाएंगे। 65 मिलियन ईयर्स अगो जब इंडियन प्लेट टुवर्ड्स नॉर्थ यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रहा था, तो नर्मदा सोन लिनामेंट एग्जैक्टली उस हॉटस्पॉट के ऊपर से क्रॉस हुआ। तो एक वो वीक जोन मिल जाता है उस डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ मेंटल में जो सब चल रहा था, तो वो उस वीक जोन से एक बहुत ही वायलेंट इरप्शन होता है जो आज वीक मतलब जो थिन 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 लेयर यस थिन लेयर और वो नर्मदा सोन लिनामेंट एक्चुअली वो एक रिफ्ट वैली है। तो रिफ्ट वैली मतलब जहाँ पर प्लेट्स सेपरेट हो रही हैं और इट इज़ इन द इनिशियल स्टेज और मे बी इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग, कोई भी स्टेज हो सकती है। ये अपनी तरह की दुनिया की सबसे बड़ी फॉर्मेशंस में से एक है। एज लॉन्ग एज लावा लिक्विड स्टेट में है तब तक डिग्री ऑफ रैंडमनेस बहुत है, जो कि हमेशा उसमें एक टेंडेंसी रहेगी कि वो स्टेबल स्टेट में आए। तो इसी स्टेबल स्टेट में आने की कवायद में सारे एटम्स जो हैं वो अपने आप को अलाइन करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे कूल होना शुरू करते हैं। पर ये ऐसे कैसे लगते हैं, मतलब ऐसे लगता है किसी फैक्ट्री से आए हैं, मतलब इतने एग्जैक्टली सब ऐसा ही बोलते हैं कि ये किसी मतलब मैसन ने इसको क्रिएट किया है। लेकिन ये एक्चुअली डाइक्स हैं एक स्टेबल जोन में, दैट इज 120 डिग्री एंगल। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि परफेक्ट हेक्सागोनल या परफेक्ट पॉलीगोनल शेप में यहाँ पर कॉलम्स हमें मिलते हैं। तो इट इज नॉट द कॉलम्स दैट वी आर सीइंग हियर, इट इज द क्रैक्स। तो जियोलॉजिकली हम उसको जॉइंट बोलते हैं, ये क्रैक्स एक्चुअली डेवलप होते हैं। ये कावड़िया पहाड़ नाम के क्षेत्र में 7 से 8 मील तक फैला हुआ है। पूरी दुनिया में एक ही समय पर कई ज्वालामुखी फट रहे थे। लावा से निकली वॉल्केनिक गैसेस और डस्ट की वजह से ये धरती चोक हो सकती है। माना जाता है कि उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। महीनों तक सूरज की रोशनी इस धरती पर नहीं गिरी थी। आपको ये सोचकर अजीब नहीं लगता कि डायनासोर जैसे इतने बड़े और खतरनाक जानवर भी एकदम से गायब हो सकते हैं? वैसे जिंदगी हमेशा वापस आने का एक नया रास्ता ढूंढ ही निकालती है, और इसी बात के निशान देखने के लिए हम चल रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं इस सफर की सबसे रोमांचक खोज। धरती बनी, डायनासोर आए और गए, लेकिन हमारा क्या? यही है इस कहानी का अंतिम पड़ाव। मैं नर्मदा के तट पर जा रहा हूं। मेरे रास्ते में विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूपा और उदयगिरी गुफाएं हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व यहां से थोड़ी लंबी ड्राइव की दूरी पर है, लेकिन मेरी मंजिल है सीहोर जिले का हथनौरा गांव, फॉसिल प्रेमियों के लिए एक अद्भुत जगह, जहां छिपे हैं 12,000 से 18 लाख साल पुराने राज। मैं शर्त लगा सकता हूं कि आपने आज से पहले ह्यूमन इवोल्यूशन में सिर्फ मेल ह्यूमंस का ही नाम सुना होगा। पर क्या आप जानते हैं कि जहां हम जा रहे हैं वहां एक ह्यूमन फीमेल का फॉसिल मिला है? जी हां दोस्तों, एमपी के समृद्ध वैज्ञानिक विरासतों में एक और अजूबा यहां से जुड़ा है, नर्मदा वुमन फॉसिल। आइए देखते हैं। ब्रिटिश नेचुरलिस्ट और बोटानिस्ट विलियम थियोबॉल्ड 1859 में इस जगह पर पहुंचे थे। आपको पता है इसे हथनौरा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां एक हाथी का दांत पाया गया था। यह तरह तरह के फॉसिल्स का पूरा खजाना है, जिसमें हर साल किसी ना किसी नए फॉसिल की खोज होती रहती है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। दिस साइट इज फॉसिलिफेरस होराइजन साइट। सर फॉसिलिफेरस का मतलब भी बता दीजिए। जहाँ फॉसिल मिल पाने की सबसे पॉजिटिव साइट हो, क्योंकि आप यहाँ पर दो अलग अलग वैरायटी की सेडिमेंट्स देख सकते हैं। एक है बिल्कुल लूज सेडिमेंट जो आप छूने से मिट्टी जैसा निकल करके बह जाएगा, लेकिन आप जैसे ही उसके नीचे वाला एरिया देख रहे हैं नियरली अराउंड 7 to 8 meters के बाद का, ये एक कॉन्ग्लोमरेट होराइजन है जो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। और कॉन्ग्लोमरेट जहाँ पर काफ़ी वैरायटी की मटेरियल जमा हो, अब ऐसी जगह पर अगर कोई चीज़ बह करके आती है या कहीं से स्टक हो जाती, तो उसका प्रिजर्वेशन हो जाना बहुत आसान है।
लेकिन 1982 में इन पत्थरों में अब तक की सबसे बड़ी खोज का पता चला। भूवैज्ञानी अरुण सोनाक्या को यहाँ पूरे दक्षिण एशिया में मानव विकास से जुड़ा हुआ इकलौता फॉसिल मिला। 5 से 6 लाख साल पुराना ये फॉसिल, पहले उन्हें लगा कि ये 25 से 30 साल का कोई आदमी रहा होगा, लेकिन अब बहुतों का मानना है कि ये एक महिला थी, नर्मदा की महिला। ठीक हमसे पहले के होमो इरेक्टस का एक नमूना। तो आप क्या क्या ढूंढने वाले हैं यहाँ? पूरी तैयारी से आइएगा, क्या पता आपके हाथों भी कोई नई खोज लग जाए। भारत के भूवैज्ञानिक इस जगह को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल नेशनल जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिलवाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एमपी में मानव इतिहास से जुड़े कई राज दुनिया के सामने आना अभी बाकी हैं। मानव के विकास से लेकर उनके पारिवारिक और सामाजिक बदलावों तक की गाथाएं यहीं एमपी में ही मौजूद हैं। मैं ये पता लगाने के लिए आगे बढ़ रहा हूं कि कैसे समय के साथ इन पूर्वजों का जीवन हमारे जैसा दिखने लगा। मैं कठौतिया की ओर जा रहा हूं, मध्य प्रदेश की राजधानी से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर। ये जगह तेजी से एक एडवेंचर और इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में उभर रही है। आप इन खूबसूरत पहाड़ों पर जिपलाइनिंग या रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर हैं और भी रोमांचक संभावनाएं। आइए अब इन चट्टानों को भी देख लें, आखिर ये हमारे पूर्वजों की रिहाइश रह चुके हैं। अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि कैसा था उनका जीवन। जानवर से हमारा पावर हर टाइम कम है, तो हम लोग क्या है, हम लोग ऐसे जगह ढूंढे जहाँ पे जानवर जल्दी आ ही नहीं पाएगा। यहाँ पे क्लिफ फेस है, नीचे से कोई आ नहीं पाएगा, ऊपर में ढके हुए है, ऊपर से भी आपको कोई अटैक नहीं कर पाएगा। तो इन बिटवीन जो प्लेस है, जानवर के अटैक से सेफ है, बारिश भी नहीं आएगा, बारिश ऊपर फंस रहा है, हवा भी इस पीछे वाली साइड का फंस रहा है, तो हमें एक कंफर्टेबल रहने लायक जगह मिल गया। वह इस बेहतरीन जगह से शिकार करने के लिए पत्थर से बने चाकू और भाले का इस्तेमाल करते थे। कोई भी जानवर आदमी से बड़े होते हैं, तो एक जानवर आप मारेंगे, अकेले आदमी खाएंगे तो मीट खराब हो जाएगा, आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ऊपर से मान लीजिए 5 आदमी एक साथ है, तो अब दूसरे से हम मिल के बच भी सकते हैं। हमारा ये शेल्टर्स भी बहुत फैले हुए नहीं हैं, अब देख रहे हैं छोटे छोटे हैं, तो क्या हुआ आदमी एक साथ रहने लगे। दोस्तों, क्या आप देख पा रहे हैं कि किस तरह की जगह का सिलेक्शन वो रहने के लिए करते थे? Isn't this interesting? ये शेल्टर्स एक्चुअली शेल और सैंडस्टोन के इंटरकालेशन से बने, जो कि डिफरेंट थिकनेसेस के थे। पतले शेल्स महासागरों में नीचे जाकर मोटे सैंडस्टोन में मिल गए। जैसे जैसे जमीन में उभार आया, ये चट्टान बनती गई। सदियों तक जब इन चट्टानों पर बारिश और ओले पड़े, तो शेल्स बह गए और अपने पीछे रॉक शेल्टर्स को छोड़ गए, जिसमें आदि मानव ने शरण ली। ये सब उन्होंने अपने घर की दीवारों पर उखेरा। एमपी का जो रॉक आर्ट है, करीब करीब 21 टाइप का कलर यूज़ होता है, लाल सबसे ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन यहाँ जो है इस जगह पे हमें आपका लाल का साथ सफ़ेद भी मिलता है और वेरी पिक्यूलियरली ग्रीन कलर मिलता है। ग्रीन कलर में पेंटिंग, इन जनरल ग्रीन कलर का पेंटिंग ओल्डर बोल के माना जाता है। उन्हें हमारी इतिहास की सबसे पुरानी पुस्तक कहना गलत नहीं होगा, जिसमें हमारी शिकार से लेकर खेती बाड़ी तक पहुंचने की कहानियां दर्ज हैं। ये धरती बहुत पुरानी है, हमारे रहने लायक बनने से पहले इसने एक लंबा सफर तय किया है। मैंने पृथ्वी की इसी सफर की एक झलक आपको दिखाई है, धरती के बनने से लेकर कॉन्टिनेंट्स के साथ आने तक और जीवन की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक। आइए एक ऐसे व्यक्ति से बात करें जो मध्य प्रदेश के छुपे हुए रत्नों को आगे लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, और ये दिल अपने आप में बहुत सारे रहस्य समेटे हुए हैं, और ये रहस्य यूं ही नहीं समेटे हुए हैं। मध्य प्रदेश पूरे मानव इतिहास को कैसे सृजित हुआ, कैसे विकसित हुआ, उसकी पूरी कहानी को अपने दिल में समेटे हुए हैं, इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, न केवल पर्यटन की दृष्टि से, बल्कि ऐसे लोग जो जानना चाहते हैं कि हम आज जो हैं वो क्यों हैं और कैसे हुए, इसका पूरा जो विवरण है
उस कैलेडोस्कोप जो है वो पूरा मध्य प्रदेश में एक सिरे से दूसरे सिरे जाने पर आपको दिखेगा। लाइव हिस्ट्री जो है आप अपने आंखों के सामने जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं, प्रकृति के नज़ारे देख सकते हैं, जो कि आपको किसी भी दुनिया के भूभाग में एक ही स्थान पे इतनी सारी चीज़ें कतई देखने को नहीं मिलेंगी। एक डायनासोर की एक प्रकृति, एक विशिष्ट प्रजाति का नाम दिया गया जबलपुर के ऊपर, और आज भी वहाँ पर फॉसिलाइज्ड एग्स डायनासोर के पाए जाते हैं। डिंडोरी में मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा सुंदर सा फॉसिल म्यूजियम बना रखा है, जहाँ पर आप डायनासोर के एग को हाथ में लेकर के देख सकते हैं, बिल्कुल नज़दीक से देख सकते हैं। आप आगे पहुँचेंगे तो आपको रॉक आर्ट केव्स देखने को मिलेंगी। भीमबेटका पूरी दुनिया जानती है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो रॉक आर्ट है यहाँ की, ये वर्ल्ड में पूरे दुनिया में सबसे पुरानी रॉक आर्ट में से है। हमारे जो भीमबेटका की रॉक आर्ट है, वर्ल्ड की वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक आर्ट है। हमें कहीं विदेश में जाने की ज़रूरत नहीं है, मध्य प्रदेश में आकर के देख सकते हैं। और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा, ये क्या कलर उन्होंने यूज़ किया होगा, जो आज 50,000 साल भी हम उसको देख पा रहे हैं। क्या हम आज कोई कलर ऐसा बना सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं, जो 50,000 क्या 50 या 100 साल भी चल पाए? कांवड़ या पहाड़ के पास जाएंगे तो आपको लगेगा, लगता है किसी सरकारी डिपार्टमेंट ने लाखों की संख्या में खम्भे वहाँ पर रखे हुए हैं, और वो खम्भे नहीं हैं, वो बेसाल्ट रॉक है। ये जो हजारों साल, लाखों साल पुरानी जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, वो आज भी वहाँ पे सुरक्षित है और हमें देखने को मिलती है। हम आश्चर्य से भर जाते हैं इस प्रकार की चीज़ों को देख करके। तो इस प्रकार से ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के ऊपर बेस्ड एक ये पहली बार अटेम्प्ट हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश पर्यटन की ओर से। मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो एपिसोड बन रहा है एपिक चैनल के माध्यम से और उनके सहयोग से, ये पूरी दुनिया में ये मध्य प्रदेश के अननोन फीचर्स, जो हिडन ज्वेल्स हैं, उनको सबके सामने ला करके रखेगा और सबको प्रेरित करेगा कि एक बार मध्य प्रदेश जरूर आएँ और ये पूरी पर्यटन के दृष्टि से जो आकर्षण है यहाँ का, उसको एक्सप्लोर करें। और मैं आपको ये भी बताऊँ, मध्य प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है कि इसको एक बार में देखना संभव नहीं है। आपको यहाँ पर कई बार आना पड़ेगा और अलग अलग तरीके से आकर के यहाँ पर अलग अलग दृष्टि से यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो आप पाएंगे हर बार आपको यहाँ पर नयापन मिलेगा, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और ऐसा नया आकर्षण देखने को मिलेगा जो आप लोगों को बताते नहीं थकेंगे। मैं आपको पुनः मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से और पर्यटन विभाग की ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से आप सभी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। ये मेरे लिए अब तक की सबसे अद्भुत और बहुत कुछ सिखाने वाली यात्रा थी। आपने मेरे साथ ये देख तो ली, पर भारत के दिल मध्य प्रदेश में प्रकृति के इस इतिहास को करीब से जानिए। फिलहाल मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। मिलेंगे फिर से एक नई राह, नए सफर और नई एपिक यात्रा पर। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.